दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ एडमिंटन से और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त मेरे क्लाइंट वसीम खान जो अभी इस वक्त वैंकूवर में हैं और अभी आप आए हैं सऊदी से स्टडी बीता है वसीम खान वेलकम टू वैनकूवर थैंक यू सर कैसा लग रहा है पहले पहले ये बताएं आपको लग कैसे रहा है जैसे आप, आपका इतने सालों से सपना था ख्वाब था कि हम कनाडा जाएंगे

जो ड्रीम है और ये जो इसके पीछे मेहनत है ये तीन साल साढ़े तीन साल की बंदे की मेहनत होती है डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करने से लेके तो फाइनली बहुत अच्छा लगा एक एक पॉजिटिव फीलिंग थी और जो है एक अच्छा फील था मतलब एक ऐसा लग रहा था कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है और ये मतल, ये टर्निंग पॉइंट थोड़ी सी घबराहट भी थी इमिग्रेशन के टाइम पे अदरवाइज इट वाज गुड इट वाज गुड जो एक मिडल uh, ईस्ट में जहाँ से आप काफी साल आपने काम किया और वहां से आप uh, आने की सोच रहे थे और अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि आने की जब आप कनाडा पहुंच गए तो आपको लगा कि हम अपने ठिकाने आ गए दिस इज इट दिस इज गोइंग टू बी माय होम अब वो बाकी जो प्रॉब्लम थी इधर उधर भटकने की इधर मिडिल ईस्ट में अब वो खत्म हो गई कनेडा इज गोइंग टू बी गोइंट होम

एप्लीकेशन भर के वीजा का वो नहीं करते कि वीजा किसी को मिल जाए हम दुनिया क्लाइंट की दुनिया चेंज कर देते हैं मतलब कि अभी एक 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 आपका आपका दूसरा एक, दूसरा दूसरा एक जन्म हो हो गया दूसरा आपका वो इस सर, बर्थ हो गया वो न्यू 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 चैप्टर 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 बेसिकली इसका इसके बारे में कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आप कितने पैसे लोगे वीजा देने के मैंने कहा वीजा देने की बात ही नहीं है कि पैसे कितने लेंगे नहींग कि मैं कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपको नया अवतार हो जाएगा आपके नया जन्म हो जाएगा इसका कितनी कीमत ली जाए इसका सिर्फ ये नहीं कि कागज भर दिया गया, दिस दिस इज इज अ न्यू बर्थ इन योर लाइफ। एनीवे आप ये बताएं आप आप मध्य से, से? प्रदेश से प्रदेश और आप इंजीनियर है और काफी साल आपने सऊदी में काम कराए और, और किस चीज का काम किया अ मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजीनियर बेसिकली और आपने सऊदी में कितने साल काम किया है तकरीबन ग्यारह साल ग्यारह साल काम किया और मन में एक हमेशा हमेशा एक कशिश रही है कि यहाँ से निकले यहाँ पर आगे परमानेंट वो नहीं है वहाँ का इकामा का चक्कर है और जो भी कुछ वहां पर होता है तो यहाँ से निकले और यहाँ पर आए आप आपने एडमिशन लिया आप आप होशियार हैं होनहार हैं आपको एडमिशन मिला और आपने यहाँ मास्टर्स डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया है आप यूनिवर्सिटी विक्टोरिया में पढ़ रहे हैं सर सर यस अभी तो आप विक्टोरिया गए नहीं वहाँ वहाँ हमने सुना है मैं भी कभी गया नहीं वहाँ पर मैंने सुना है कि वहाँ इससे ज्यादा खूबसूरती है यहाँ पर तो आप जाके देखेंगे कि कैसा होता है अभी आप जो अभी आपका जो जो आप पहले से थोड़े बेचैन हो रहे थे आने से पहले कि भी एयरपोर्ट पे क्या पूछा जाएगा और क्या होगा उसके बारे में बताएं वो क्या पूछा गया आपसे क्या क्या मतलब व्हाट वाज़ द डॉक्यूमेंट आप बोले थे क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं कोई यस सर एक्चुअली एक्चुअली ये जो है मतलब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है किसने मैंने 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 तो आपको मैं <laughs> मैंने तो अब मैंने तो लोगों को कितने टाइम से कह रहा हूँ रिलैक्स कुछ नहीं होने वाला मतलब लोग गूगल में पढ़ पढ़ के इधर उधर फेसबुक पढ़ के ऐसे नर्वस होते हैं तो आप आपको भी लगा था कि पता नहीं क्या होने वाला है हाँ बिल्कुल एक्चुअली मैंने देखा बाकी लोग भी पूरी की पूरी फाइल क्रिएट किया हुआ था उन्होंने और मेरे साथ भी एक फाइल थी जिसमें की पूरे मतलब एक थर्टी फाइव डॉक्यूमेंट्स की लोगों ने लिस्ट शेयर किया हुआ था तो वो मैंने पूरे कैरी किए थे थर्टी फाइव लगाने से लेके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पासपोर्ट रिक्वेस्ट से रिलेटेड और पासपोर्ट के साथ जो लेटर आता है वो वो सब टोटल डॉक्यूमेंट्स थे तो मैंने भी लेके आया था लेकिन फर्स्ट हमारा जब अराइवल का स्टैंप के लिए गए तो उन्होंने सिर्फ आ, होटल बुकिंग पूछी और कोविड 19 का टेस्ट पूछा और वैक्सीनेशन रिपोर्ट पूछी और इसके बाद अराइव कैन उन्होंने चेक किया पूरा जाके कि ओके है या नहीं वो सब किया उसके बाद उन्होंने स्टैम्प कर दिया फिर नेक्स्ट जब वीजा स्टडी परमिट की बारी आई तो मतलब मुझे लगा कि दे आर इन वेरी रिलैक्स मूड मतलब उनका वो ज्यादा नहीं लगे मुझे मुझे लगा के

रोक दूं आपको सॉरी सॉरी टू टू इंटरप्ट पर को रोकना पड़ेगा आपको उन्होंने आपसे पूछा कि फैमिली क्यों नहीं आई यस सर मतलब कि उनके मन में ये कभी, कभी नेचुरल एक वो है कि फैमिली का आना भी एक लाजमी है बनता है आप आए हैं तो फैमिली आपके साथ बीवी बच्चे आना चाहिए ये मैं ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई कंसल्टेंट और इवन बड़े बड़े यहाँ पर नामी ग्रामीण लॉयर्स भी बोलते हैं अरे फैमिली को लाने की क्या जरूरत है नामी ग्रामी बोलते हैं कि फैमिली को लाके क्या करोगे वीजा रहे हैं तो भाई अपने फैमिली को लेकर आए भाई नो प्रम अगर वीजा मिलता है नहीं मिलता तो अलग बात है एनी कंटिन्यू कंटिन्यू एक्चुअली सर जो मुझे भी समझ कि आ, कोई भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कई सालों से उसमें काम कर रहे तो उनको पता है कि अगर कोई फैमिली मैन आ रहा है तो वो फैमिली आज नहीं तो कल लेके आएगा yeah. तो अभी क्यों नहीं लेके आ रहे हो उसमें मतलब वैसी वाली बात हो जाती है और अगर आप उनसे कुछ भी बोलोगे कि भाई मुझे काम नहीं करना है या वर्क, वर्क नहीं करना है तो वो देट बिलीव क्योंकि उनको पता है, बंदा आएगा जो ट्वेंटी आवर्स है वो काम करेगा सेटल होगा तो दे नो बट उनको जस्ट फॉर्मेलिटी yeah. है उनको वो करना है yeah. तो उससे भी ऐसे सवाल किए गए कि आ, आपको काम करना है वर्क काम करने के लिए आए हो आप तो मैंने बोला नहीं मैंने सिंपल नो no बोला उसके बाद फिर क्या प्लान है मैंने पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है नहीं मेरे को पक्के रहना है तो क्या होगा सर, <laughs> मुझे नहीं पता आई नो आई नो ये बहुत बड़ा ड्रामा चलता है दुनिया में दुनिया में बहुत बड़ा ड्रामा चलता है कि स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है कि आप पढ़ने आएंगे काम नहीं करेंगे अनऑथोराइज काम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह आप पढ़ने के बाद घर जाएंगे लेकिन रियलिटी अभी इस कंट्री में इस साल में स्टूडेंट ही पक्के हो रहे हैं तो यहाँ पर मतलब कि कि इवन दो वीजा ऑफिसर कई बार रिफ्यूजल देते हैं यू विल नेवर कम बैक फ्रॉम देखो रिफ्यूजल लेटर पे आता है ना कई बार आपके भी शायद पहले बार में आया था तो अब उनसे पूछो भाई यहाँ पर कौन स्टूडेंट वापस गया आज तक मैंने तो आज तक एक स्टूडेंट नहीं देखा जब तक धक्के नहीं मारे कोई वापस गया बिल्कुल सर इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है जिंदगी का हाँ, बताएं आगे तो उन्होंने ये सब मुझसे पूछा और सऊदी में पूछा कितने जॉब कर रहे हैं आप किस पोजीशन पे थे क्या काम था वहां पे सैलरी कितनी थी आपकी ये सब उन्होंने पूछा और सिंपली मेरे ख्याल है मैं काउंटर पे मैं पहुंचा हूं, फिर मैं जब तक मैं एक डिक्लेरेशन का फॉर्म भरा था तब तक उन्होंने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट कर दिया था ऑलरेडी और फिर मुझे दे दिया उन्होंने बोला आप चेक कर लो और मैंने चेक किया डिटेल्स वगैरह सब ओके था तो कंफर्मेशन एक एक ले लिया कि इस में क्या, क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस work, फिर जो है एक्चुअली कोविड के वजह से कोविड uh, टेस्ट के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है प्री रजिस्ट्रेशन था फिर भी एक uh, लैंडिंग के बाद फिर से एक प्रोसीजर होता है वो मैंने रेसिप्ट लिया कोविड को और कोविड टेस्ट के बाद किट मिलती है कोविड टेस्ट किट जो अराउंड वन वीक बाद हमें खुद टेस्ट करना होता है तो वो आ, वो किट लिया और उसके बाद मैंने मैं होटल में चेक इन कर लिया तो अभी आपके डबल वैक्सीनेशन हो रखी थी सऊदी से आ, नहीं सर सिंगल वैक्सीनेशन था तो अभी आपको क्वारंटीन में हो अभी होटल में यस सर कितने दिन चौदह दिन नहीं मैं थ्री डेज थ्री डेज उसके बाद अगर क्लियर होगा अगर अभी अगर क्लियर होगा तो फिर आप अपने घर जा सकते हो जहाँ जाना जा सकते हो ठीक है तो इसके बाद आपको विक्टोरिया के जाओगे तीन दिन बाद हो फिर अगर क्लियर होगा अच्छा तो अच्छी बात है होटल में खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पर कितने का इफ यू डोंट वांट टू गिव मी दैट्स फाइन मतलब ऑन एन वो 250 to, uh, 300, uh, dollars, uh, per day है लेकिन उसमें सभी है में क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या है आपको खाया आपने आज uh, उन्होंने menu दिया हुआ तो मेन्यू अच्छा। के हिसाब से आपको हंड्रेड डॉलर पर डे का क्रेडिट है वो देते हैं मतलब थ्री हंड्रेड इज नॉट ओनली रूम रेंट उसमें हंड्रेड डॉलर का क्रेडिट देते हैं वो आप फूड uh, ऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से जी 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 अच्छी बात है वंडरफुल तो अभी आप मतलब ये दूसरा दिन है आप होटल में बैठे हो और आ, होटल में ही बैठे हो बाहर से विंडो से दिख रहा है ट्रैफिक में दिख रहा है लोग आते जाते हैं सर, सर, कैसा, सर। कैसा मतलब कैसा लग रहा है फील हो रहा है कैसा लग रहा है लोग जा जा रहे हैं लोग जैसे आपको रिसेप्शन पे भी लोग मिले जो कैनेडियंस है जो यहाँ के गोरे लोग हैं जो उनसे बात करने को कैसा आपको लग रहा है मतलब दिस इज अ रियल डील रियल लोग लग रहे हैं कैनेडियंस या कोई और कोई मिक्सचर लग रहा है यहाँ पर नहीं सर रियल कैनेडियंस हैं और मेपल ट्री मेरे रूम से जो है विंडो के बाहर है अच्छा जिसका सिर्फ हम लोगों ने आज तक उसका लीव देखा था सिर्फ उसका जो लीव है एक लीव का सिंबल देखा था बस तो वो सामने है और जो है बाकी तो ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है मेरा लेकिन जितना मेरा एयरपोर्ट पे इंटरेक्शन रहा है वो इट वाज वंडरफुल और बहुत ही हेल्पिंग है सपोर्टिव है सभी लोग डाउन टू अर्थ है

Uh, महीनों से या सालों से जो र, वो था वो स्ट्रेस रिलीज हुआ बस ये था सऊदी सऊदी से सा, फ्लाइट कैसे ली कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ से आई एक्चुअली uh, मैंने फ्रैंकफर्ट uh, लिया था सर लुफ्थांसा uh, uh, से लुफ्थांसा से मैंने रियाद से फ्रैंकफर्ट uh, फ्रैंकफर्ट uh, से सीधा वैंकूवर uh, ठीक है ठीक है सही है उस फ्लाइट में जो जब आप uh, फ्रैंकफर्ट से वैंकूवर आ रहे थे काफी सारे और भी लोग इंडियन लोग होंगे स्टूडेंट वगैरह मिले कि नहीं कोई क्या मेरे ख्याल है चार या पांच स्टूडेंट्स थे बाकी वहाँ का जो सऊदी फैमिलीज या जो वर्किंग क्लास है जो कनाडा का वहाँ पे जॉब करता है वो सब थे स्टूडेंट्स जो है चार या पांच ही थे बस अच्छा अच्छा चलो दैट्स 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 वंडरफुल वीजा की कहानी बताएं आपको वीजा ये सेकंड बार मिला है पहली बार रिफ्यूज हो गए थे उससे पहले रिफ्यूज हो गई थी उसकी कहानी क्या है देखिए सर पहली बार जब वीजा वीजा के लिए अप्लाई किया था तो रिजेक्शन हो गया था उसमें आ, उसमें कुछ फोर रीजंस उन्होंने दिया था रिजेक्शन के जो जो मैंने किया था मेरे उससे भी रिजेक्ट हो गया था हाँ नहीं नहीं आ, आप आपके केस लेने के पहले ही एक बार उसमें फोर रीजंस दिए हुए थे तो जब हमने उसका GCMS निकाला था तो उसमें पता चला था भाई योर रेसिडेंसी इज नॉट परमानेंट यू विल नॉट कम बैक इस तरीके से आप यू आर नॉट एस्टेब्लिशड करके आपको पता है तो वो सब फोर रीजंस थे फिर आपके साथ जो जब GCMS नोट्स बेसिकली जब रिसीव हुआ था तो जो कुछ क्लॉज़ थे वो इस तरीके से थे कि जिसका कोई मुझे लग रहा था कोई सलूशन नहीं है मतलब Uh, अगर हम जब तक सऊदी में है तो हमारा रेसिडेंस स्टेटस जो है वो uh, टेम्परे रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता है तो उस उसपे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है उसका कोई सोल्यूशन नहीं था वो और वो बोल रहे थे कि भाई आप एक उन्होंने टर्म बोला था पुल पुश इफेक्ट उन्होंने जीसीएमएस में लिखा हुआ था कि भाई इंडिया में आप इंडिया आप छोड़ चुके हो वहां पे आप रह नहीं रहे हो सऊदी में आप जॉब कर रहे हो दस सालों से या जो भी टाइम है और सऊदी में जॉब आपकी रेसिडेंसी परमानेंट है नहीं तो बेसिकली आप वहां पे रह नहीं पा रहे इंडिया में यहाँ सऊदी में आपको रहने नहीं दे रहा पुश पुल इफेक्ट जनरेट हो रहा है जब बात हुई फिर आपके थ्रू जब अप्लाई किया तो उसमें फोर रीजन में से कट के माइनस होके दो टू रीजन बचे थे इसमें से एक फाइनेंस का था और आ,

हमने अप्लाई नहीं किया दोबारा हमने वेब फॉर्म क्रिएट किया उसमें हमने लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट दिखाया जिसमें कि फंडिंग ज्यादा थी और फिर आपसे जब मेरी बात हुई थी तो ये रिजल्ट निकला था कि सऊदी से तो मेरे परमानेंटाइज नहीं हो सकते कभी क्योंकि मेरा स्टेटस ही नहीं है ना? तो मैं इंडिया से आपने बोला परमानेंटाइज दिखाया जाए कि भाई फैमिली है पेरेंट्स है हमारा खुद का घर है और वाइफ की फैमिली है तो बेसिकली हमारे परमानेंटाइज इंडिया से है तो वो हमने दिखाया और वो हमने जब वेब फॉर्म क्रिएट किया उसके थ्री डेज के अंदर सर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी या एक एक शायद आप एक भूल गए इसमें वेब फॉर्म का मैसेज भेजने के बाद शायद आपने मेरी हेल्प करी है आपने कहा कि वो वेब फॉर्म तो चला गया कि लेकिन उनको हम कोई ईमेल लिख दें आपको शायद याद है आपने कहा था ईमेल लिख दें तो हमने कहा कि यार चलो वेब फॉर्म तो गया कोई ना कोई देख ही लेंगे चलो ईमेल लिख देते हैं और जो

बड़ी हैरानी वाली बात है ये एक्चुअली ये कुछ केसेस में मैं मैं कुछ केसेस गिन सक, गिन सकता हूँ क्योंकि आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ केसेस लाइक दिस मैं कुछ केसेस मैं गिन सकता हूँ जैसे आपका केस है जहाँ पर एक आ, किसी भी वजह से हम ईमेल लिखते हैं वीजा ऑफिसर को जैसे न्यू दिल्ली हाई कमीशन में भी आप ई लिख सकते हैं आपके यहाँ पर सऊदी में भी ई मेल और ई से कुछ ऐसा लिखते हैं और ई को वो पढ़ने के बाद एकदम से वीजा इशू कर देते हैं ये आपने बहुत लॉयर से आप सुनोगे नहीं आप कभी भी आप यहाँ पर आप कनाडा में आए हो कभी भी, कोई और मिलते हैं आपको, इंडिया भी है ई आप, मेल हुई और ई से एक पॉजिटिव आ गया बोलते चलो भी वीजा ले लो इट इज इट इज वेर वेर और आई एम आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू यू एक्चुअली क्योंकि आपने मेरे को प्रेरित किया आपने कहा कि इनको मैसेज लिखो या लेटर लिखो या एक लेटर लिखो या रिमाइंडर लिखो या ई लिखो कुछ है तो ई के का ज़रिए हमारे पास और कुछ ज़रिया नहीं है तो उसके हिसाब से अदरवाइज़ हमें सेकेंड एप्लीकेशन हम करने वाले थे हमें तो करनी थी क्योंकि मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट था कि जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा हम करते रहेंगे हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे आपको मतलब करते रहेंगे चाहे इसमें एक बार दो बार तीन बार तो वो एक आखिरी एक तीर चला के देख लिया और वो ईमेल से पता नहीं क्या किस्मत के तारे आपका विक्टोरिया का दाना पानी दिखाता आप आप एकदम से झट से और एक्चुअली सर जो मुझे आ, याद आ रहा है कि जब मैं मैंने आपको आपने खुद भी बोला था जब जब स्टार्टिंग में जब केस दे, जब हमारी बात हुई थी तो आप केस लेने के लिए तैयार नहीं थे ऐसा मुझे <laughs> फील हुआ था क्योंकि आप बोल आ. रहे थे मैंने मैं बोल रहा था सर मैं जो है आपको आपसे वो करना चाहता आपने बोला नहीं नहीं पहले आप देखें अगर हम इस मतलब तो मैंने आपको बड़ा फोर्स किया था एक्चुअली इंसिस्ट किया था कि सर नहीं सर आप मेरा केस लें और आप you आपने you बोले तो ठीक है वी विल ट्राई करके राइट उसकी वजह वज़ा, उसकी वजह ये है कि एक्चुअली के और इट इज नथिंग सीक्रेट अबाउट इट उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि इंसान पहले अपनी आप कोशिश करके देख ले उसके उसके दो फायदे हैं एक तो उसका पैसा बचता है पहली बार में और दूसरा है कि उसको भी कुछ एक नॉलेज मिलती है एक्सपीरियंस मिलता है कि क्या वो कर रहा है क्या गलती है उसको अपने केस में क्या लिखना है थोड़ा सा मोटिवेशन आती है कि भाई हाँ अब ये केस अगर बाई चांस रिफ्यूज हो गया तो फिर हम अब ये करेंगे ऐसे करेंगे तो आई लेट पीपल टेक अ चांस ऑन द ओन फ्यूचर फर्स्ट और उसके बाद चलो केस तो ले ही सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं लेकिन uh, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि केस अगर मैं लेता हूँ और मेरे हाथ से गया तो जैसे चार रीजन थे तो चार से दो रह गए या कुछ ऐसा हो जाएगा मतलब Ultimately, it is the client's documents. आपके जो documents हैं वही बोलेंगे. मेरी बात कुछ नहीं बोलेगी. जो आपके client के facts हैं वही आगे बोलेंगे. और, और हो जाता है नहीं होता जाता. सर एक बात और मैं बोलना चाहूँगा ये जब मैंने मेरा केस रिजेक्शन हुआ था उसके बाद मैंने इंडिया में काफी कंसल्टेंट से बात किया था इवन बड़े बड़े कंसल्टेंट्स जो कि बहुत सारे गारंटी देते हैं तो उन लोगों से मैंने बात किया था लेकिन आ, कोई भी मेरा केस में इंटरेस्टेड नहीं था मेरा उसकी केस क्या वजह उसकी क्या वजह हो सकती है उसकी वजह यह हो सकती है सर कि उनके पास आ, इतने कैंडिडेट्स हैं और इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं और स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं तो वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे उनको उनको यह लग रहा था कि भाई इसका केस तो होगा नहीं तो आ, हम टाइम क्यों वेस्ट करें जो हमारे पास आ, हमें पता है श्योर शॉर्ट केस हो जाएगा फाइल लग क्या? जाएगी जिसकी या जिसको वीजा मिल जाएगा हम उस पर काम करें तो सबको एक्चुअली मेरा केस पे सब सबने बहुत सारे रीजन दिए थे तो सबको मेरे मुझे ये समझ में आया कि कोई भी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे केस को लेकर के कि ये केस सक्सेसफुल होगा इस वजह से जो है मेरा केस कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था फिर आपसे बात हुई तो फिर फाइनली सर आपने मेरा केस लिया मेरा केस थोड़ा सा टफ था

जो एक है, जिसने अभी किया है, किया है, उसकी उम्र कम है, नहीं है, कि अभी उसके पास कोई है इंडिया में उसकी है वैसे केस लेंगे ये तो बहुत अच्छा धंधा है अगर मैं भी इंडिया में ऑफिस खोल लू वहाँ पर महीने के मैं अगर बीस केस ले लूँ तो उसमें से ऑन एन एवरेज दस बारह तो निकलना ही निकलना है तो अच्छी कमाई हो सकती है तो इसलिए वो उस पर उस पे वो उस घोड़े पे लगाते हैं गाँव के जहाँ पता है घोड़ा जीत जाएगा क्या जगह ऐसे आपके पास दस साल का एक्सपीरियंस दस साल का गैप है बारह साल का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है एज ज्यादा है यू आर नॉट इन दैट स्टूडेंट कैटेगरी आप बाहर की कंट्री में रह रहे हो सऊदी की उनको नॉलेज नहीं है तो ऐसे केस करके क्या मथा मारेंगे यार हैं तो वो सोते हैं चलो जान दो उसको दैट्स ओके so, anyway, okay, जिसकी किस्मत में है उसके पास केस घूम के आ ही जाता है तो बड़ी बात है आपके आपके दोस्त हैं जो उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि प्राइवेट रखना आपके दोस्त हैं जो जिन्होंने रेफर किया था सऊदी में वो भी आप पहुंचे हुए हैं कैनेडा में आ चुके हैं और मैंने मैंने सऊदी के बारे में कुछ रिसर्च करी थी उनके जब उनका केस पहले आया था जिससे सऊदी की कहानी शुरू हुई थी सऊदी में पिछले साल मेरे ख्याल है कि डेढ़ सौ या एक डेढ़ सौ से भी नीचे 120 सौ बीस या एक सौ तीस केस पास हुए थे ऑल ओवर सऊदी जो कनाडा के

और जिनके पास सऊदी का सऊदी का पासपोर्ट है उनको तो कोई चक्कर ही नहीं है जो बाहर के लोग हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल वगैरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो स्टडी वीज़ा देते ही नहीं है तो आई वॉज आई वॉज ग्रेटली एक्साइटेड कि इतना इतना ट्रैक रिकॉर्ड उनका अपोजिट होने के बाद भी आपको वीज़ा मिला और आपके दोस्त को भी वीज़ा मिला और मैं चाहता था, था कि मैं सऊदी सऊदी जाऊँ मैं चाहता था पिछले साल कि मैं सऊदी जाऊँ लेकिन वो कोविड ने सारा सारा काम खराब कर दिया पर काफ़ी काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं सऊदी से कुवैत से ओमान से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं अभी भी लोग एक्साइटेड हैं वहां से आने के लिए yes, बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ पीछे कुछ कॉल आ रही है क्या हो रहा है तो आ, बाकी चलो जो हुआ अच्छा हुआ आपने आप पढ़ाई करेंगे आपका तो एक सेमेस्टर पूरे हो गए ना सर सेमेस्टर uh, yes, पूरे हो दो टर्म पूरे यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि आप यहाँ पहुंच गए आखिरकार उनसे मुलाकात होगी अब यस सर आ, उन आ, एक आइसो आईसु, सेल्फ आइसोलेशन का फॉर्म उन्होंने भरवाया था तो उससे आज ही मुझे ईमेल आ गई कि आपकी आवाज कट रही है आवाज कट रही है बार पर अच्छा अभी आवाज क्लियर सर हां अब ठीक है अब ठीक है तो सर मेरे मुझसे आइसोलेशन फॉर्म उन्होंने भरवाया था आ, हाँ। आ, मतलब कनाडा आने के पहले और आज मुझे ईमेल आ गई वेलकम टू कनाडा और ये सब डिटेल्स की और उन जैसे गवर्नमेंट का है यहाँ पे आपको कैन में डेली अपडेट करना है वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी का भी डेली अपडेट करना है कि डेज ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब कि अगर कुछ होता है मेडिकल वगैरह का तो हमें डेली ये देना है कि हम ओके हैं या नहीं है या हेल्थ कोई इशू है या सम, कोई सिम्टम्स है तो वो डेली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं आपके आपके जो जो हैं जिन्होंने faculty, जिन्होंने आपके लिए recommendation letter लिखा था जो मैंने वीजा था मैंने मैंने को बताया कि ये student बहुत बड़ा है उससे बात बात हुई? हुई सर उनसे तो बात नहीं उनकी आज ही क्लास अटेंड किया तो आ, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं होती ई मेल पे ही बात होती मैं ई मेल उनको करने वाला हूँ करके उनसे बात हुई थी पहले की मैं इसी -इस डेट में निकल रहा हूँ और इस डेट में मैं

और मैं सऊदी के लिए जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आप जैसे इंजीनियर जो बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ पर जो इंजीनियर काम कर रहे हैं और बड़े बड़े जो मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हैं वो सबकी बड़ी ई आती है मेरे को मैसेज आते हैं दे वॉन्ट टू यू नो कम टू कैनेडा फॉर स्टडी और कुछ लोगों को मैं भी जानता हूं सर कि उन लोगों ने अप्लाई करने के बाद एक दो रिजेक्शन के बाद उन लोगों ने छोड़ दिया yeah. क्योंकि मतलब उनको सही गाइडेंस नहीं मिला जैसे मुझे आपका गाइडेंस मिला तो उस तरीके से ऊपर उन, लग, मतलब, उप, वाले ने चाबी भर दी और उसका भी क्लॉज गया देखिए तो आ, आपने सर डॉक्यूमेंटेशन पे काफी वर्क किया और हमसे भी करवाया आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज हुए और उससे आप मतलब आप आपने जिस तरीके से जो 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 डॉक्यूमेंट्स ये, ये ये बोले लिख, लिख इस तरीके के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट निकाले जो की उन, उन्होंने कंसिडर किया बाद में वसीम खान ये सब बहाना है कुछ मैंने कुछ नहीं किया Actually, हुआ ये आपका और हमारा कोई पुराने जन्म का कोई संबंध था आपको पिछले जन्म के कोई पैसे हिसाब देना था वो ऊपर वाले ने आपको भेज दिया वीज़ा आपका लगना था उसमें से थोड़ा सा हार्ड टच हो गया लग गया कि भी वीज़ा यहाँ से मिल गया ऐसे मिल गया लेकिन जो रियलिटी है मैं मैं रियलिटी असली बताना चाहता हूँ आपको भी दुनिया को कि ऐसी कोई बात ऐसी कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है जो हम लोगों ने करी या या कोई ऐसी कोई ख़ास इसमें होशियारी दिखाई ये तो आपका ही किस्मत और आपके दाना पानी था और और इसमें कोई there's no special uh, thing that we did hey but i'm i'm greatly excited that you are here uh, and soon enough your uh, you know your children and and your wife will also be yes. coming soon to to join you so yes, it's it's a it's a great start for your canadian career or up to Jara to victoria chale Main, uh, vancouver in the first week of august

और आई अप्रिशिएट योर यू नो टेकिंग टाइम टू टॉक और मेरे मेरे को दिल से बड़ी खुशी है कि आपका uh, आप यहाँ पहुँचे हो और uh, आगे आगे आपका फ्यूचर इट इट विल गो आप क्योंकि यू आर अर क्वालिफाइड इंजीनियर और आप पढ़ रहे हो मास्टर डिग्री है ऐ, ऐसा ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि आपको इमिग्रेशन और पी आर ना मिले विद फैमिली इन द कमिंग टू टू थ्री ईयर्स तो द कैनेडा कैनेडा इज इज लकमिंग ग्रेट एसेट द इमीग्रेंट कम्यूनिटी और कैनेडा को आप जैसे लोग ही चाहिए हैं जो पढ़े लिखे हैं जो सुलझे हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है आगे यहाँ पर वो काम करेंगे और मैं तो आपको प्रटिक्शन कर ही देता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जब आप ये पढ़ के निकलेंगे जब आपको जॉब मिलेगी चाहे बी सी में मिले चाहे अलबर्टा मैंड कहीं भी मिले आपकी तनख्वाह बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आपकी तनख्वाह कम से कम बिटवीन 80 और अस्सी से एक लाख डॉलर के बीच में होनी चाहिए इससे कम में बात नहीं बनेगी तो Thank आगे go, आगे sir. आपका फ्यूचर गोल्डन ही है थैंक 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 यू 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 सर वसीम खान खुदा